विकास प्राधिकरण को करीब 1500 से ज़्यादा लाइट दी है और उसका भुगतान भी रेलवे के द्वारा किया जाएगा। ये जानकारी में आया है कि इस तरह से संभावित गलत भुगतान हुआ है, लाइटें लगने के बाद चोरी हुई या लगी नहीं है, इसके लिए डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर इंजीनियरिंग दोनों की ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन के अंदर अपनी जांच कंप्लीट करके देगी। जांच आने पे जहाँ जिस तरह से अगर कोई भी लापरवाही या अनियमितता पाई जाएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच रिपोर्ट आ जाती है 3 दिन के अंदर। जांच रिपोर्ट आने के बाद तय हो पाएगा कि कितनी लाइटें लगी हैं, कितनों का पेमेंट हुआ है, कितनी मेंटेन हुई है उसमें कितनों का पेमेंट हुआ है, लगने के बाद गायब हुई है या लगी नहीं है, तो वो सारी स्थिति क्लियर होने के बाद फिर जिम्मेदारी देगी। करीब 1500 से ज़्यादा लाइट्स गई थे वहाँ से और उसका भुगतान भी ये लिए हर महीने कर रहा था जो लाइट नहीं थी बोल सकते। देखिए, अभी एक खबर आई थी जो आप पूछ रहे हैं उसी से संबंधित खबर थी अखबार में, और उसके बाद में मैंने संबंधित अधिकारियों को इस बात के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके पहले से ही मैंने ये निर्देश दे रखे और उसका काम भी चालू था। मैंने कहा ADA के जितने पोल हैं क्या उस पर सब पर नंबरिंग है, और नंबरिंग है तो कितने पोल पे लाइट है कितने पे नहीं है इसकी काउंटिंग का काम चल रहा था, और इस बीच रिपोर्ट आई तो मैं समझता हूँ कि जो मैं काम कराना चाह रहा था उसी लाइन पे आज ये जो सर्वे होकर के रिपोर्ट आई है तो वो अधिकारी लोग जो उस पर लगे हुए हैं और उनको स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट करें कि ये लाइटें क्या बीच में कभी हटा दी गई या कोई चोरी हो गई, इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुझे यहाँ मिलनी चाहिए। वो बहुत जल्दी मेरे को रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी भी मैंने उनसे बात की है तो वो इस काम में लगे हुए हैं कि वास्तव में कितने पोल हैं जिनके पर लाइट नहीं है या लाइट थी तो वो कहीं चोरी चली गई या हट गई, उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आते ही उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।